झारखंड की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन के आवास पर हुई सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में उन्हें फिर से नेता चुन लिया गया है। अब हेमंत सोरेन राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत जल्द शपथ ले सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि बाकी है। बता दें, लैंडस्कैप मामले में 31 जनवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पार्टी के सीनियर नेता चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच लगातार चर्चा चल रही थी कि अगर हेमंत सोरेन बेल पर जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। ये बात फिर साबित हो गई कि राजनीति में सिद्धांतों से ज्यादा ताकत अहमियत रखती है। आखिरकार सारी लड़ाइयां कुर्सी के लिए होती है। 29 जून को लैंडस्कैप मामले में नियमित जमानत पर जेल से बाहर आने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर से लगने लगा था कि झारखंड में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। उनके निर्देश पर 1 जुलाई को इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को कह दिया गया था कि 3 जुलाई को बैठक में हर हाल में आना है। यही वजह है कि 2 जुलाई को प्रस्तावित चंपई सोरेन का दुमका दौरा भी रद्द कर दिया गया। 3 जुलाई को भी प्रस्तावित उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बता दें, हेमंत सोरेन के आवास पर हो रहे इस बैठक में राज्य के इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे के अलावा दिल्ली से बड़े नेता शिरकत किए। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक से ठीक पहले कांके रोड स्थित आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शिष्टाचार मुलाकात की। बता दें, सत्ता परिवर्तन के कयासों पर झामुमो के ज्यादातर नेता ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहे थे कि हेमंत सोरेन ऐसा कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि ऐसा होने से राज्यवासियों के बीच गलत मैसेज जाएगा। हालांकि सोरेन परिवार को नजदीक से जानने वाले जानकारों के बीच चर्चा थी कि नियमित बेल मिलने से एक अलग मैसेज गया है। हेमंत सोरेन लोगों को बताएंगे कि उन्हें झूठे केस में 5 महीनों तक जेल में रखा गया। अब तो ये देखना होगा कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राजभवन कर्म पहुंचते हैं। इस बात पर भी नजर रहेगी कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने वाले नए कैबिनेट में क्या किसी नए चेहरे को भी जगह मिलेगी।